तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुस्ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे प्रणवावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाये तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यवती नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्मा नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीलाल नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाधिक प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग पहले श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत में राधा जी का नाम को श्री सुखदेव गोस्वामी की स्वरूप में उन्होंने दिया है। हम सोच रहे हैं आज से हम लोग कृष्ण कथा सुनेंगे, ठीक है। इसलिए जो कृष्ण कथा है कदभिया कथा मतलब क्या होता है, मतलब काम मतलब होता है रस, अस्था मतलब होता है हमें जो जड़ रस से दूर करके हमें जो कृष्ण रस में जो स्थापन कर दे, इसलिए इसको कहते कथा। इसलिए कहते कथा सुनने से क्या होता है, कथा सुनने से भगवान किसने पूछा ठाकुर जी आप कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो, ठाकुर जी क्या कहते हैं, मद भक्ता जत्र गायत्र तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहीं रहता हूँ जहाँ पर मेरे भक्त लोग मेरी कथा करते। इसलिए कथा से ही जीव का कल्याण होता है। इसलिए भागवत में एक श्लोक बताए बोले धर्म स्वनिष्ठि तपुंसा विश्वस्य न कथा सुच न उत्पातैत जदिरति श्रम एव हि केवल। इसका मतलब है कि दूसरे दूसरे चीज को तो दूसरे दूसरे धर्म को तो अच्छे तरह से कोई पालन करते हैं, लेकिन कृष्ण कथा में ही रुचि नहीं, उसको कृष्ण कथा में ही रुचि नहीं। कहते समस्त सच समल रख स, जैसे उदाहरण दिया कहते और जितने जितने हम सत्कर्म करते हैं वो सबके सब बेकार हो जाता है। जैसे एक गैया जो दूध बगैर दूध के, जैसे कोई गैया को क्या करते हैं, जैसे बगैर दूध के देने वाले गैया पालन करने पर जिससे दूध नहीं देती है, उसी तरह और जितने सबके साथ उसको सब बेकार हो जाता है। इसलिए जितने सारे शास्त्र है उसका तात्पर्य यह है हमारी ठाकुर जी के चरण में कैसे मन लगेगा, एक शास्त्र के लिए। लेकिन मन लगेगा क्या कि जब तक ठाकुर जी की महिमा को हम नहीं सुनेंगे, जब तक ठाकुर जी की कथा नहीं सुनेंगे ना, तब उनके चरण में मन कहाँ से लगेगा।
जिसकी महिमा सुनेंगे उसके चरण में ही हमारे मन अपने आप में। इसलिए रुक्मिणी कृष्ण को पास में जो पत्र लिखती है, रुक्मिणी कहते प्रभु आप भी मेरे को नहीं देखे, मैं भी आपको नहीं देखा हूं, लेकिन आप मेरे हृदय में कण कण में कैसे बैठे गए हो। बोले बचपन में नारद जी मेरे को आपकी सुंदर सुंदर कथा सुनाया गया था, केवल आपकी कथा सुनते 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 मेरे कड़कड़ में आप बैठे। हम लोग भजन में कैसे आए, किसने हमें भगवान की कथा सुनाया, ठाकुर जी की महिमा को किसने सुनाया। इसलिए आज हम लोग वृंदावन में कहाँ कहाँ रहने वाले, लेकिन आज वृंदावन में जो भजन कर रहे हैं किसके कारण है, हमें कोई संतों की संगत मिला है, जिस संगत से हमें भगवान की कथा किसने सुनाया है, कृष्ण की महिमा किसने सुनाया है। इसलिए आज हम कहाँ पर श्री वृंदावन में हम भजन कर रहे हैं। देखो ये विदेशी होकर रसिया गए, लेकिन ये रसिया से यहाँ तक कैसे आ गए, ये कैसे यहाँ तक आ गए। बोले रसिया में कोई जाकर के कृष्ण कथा उनको सुनाया, भगवत कथा सुनाया, रसिया में जाकर के वो कथा सुनकर आज ब्रजवास कर रहे हैं, केवल यही कारण है। लेकिन अगर कोई भले ही ब्रज में हो, ब्रज में रह रहे हैं कोई, लेकिन अगर कृष्ण कथा नहीं सुनते, ठाकुर की भजन नहीं करते, कृष्ण कथा नहीं सुनते, देखना यहाँ रहते हुए भी गले में कंठी नहीं, तिलक नहीं माला, क्यों कहते बिनु सत्संग विवेक नाम भी और राम कृपा बिना सुलभ ना सोई। जब तक हम भगवान की कथा नहीं सुनेंगे कहते भैया हमारी भक्ति कभी आगे बढ़ नहीं सकती है। कहते आप दूसरे दूसरे चीज को खूब कर रहे हैं लेकिन कथा में रुचि नहीं, तो कहते सबके सब तुम्हारे सब बेकार हो जाए। जैसे एक लड़का देखना जब लड़की को प्रेम करता है, एक लड़की लड़का को प्रेम जब करता है, देखना उसकी कहीं कथा होना काम खड़ा हो जाता है, क्यों उसको प्रेम करता है, उसको प्रेम करता है। इसलिए इसका नाम कथा मतलब होता है, क मतलब होता है रस, स्था मतलब होता है जो हमें जड़ रस से दूर करके कृष्ण रस में जो स्थापन करते, इसलिए इसका नाम कहते हैं कथा, इसका नाम है। इसलिए हमारे शास्त्र में कथा की बड़ी महिमा, जैसे बताया ना बोले मधुरम मधुरम मेतर मंगल मंगल नाम सकल निगम वल्ली सत्फल चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया भृगुवर नरमात्र तारयते कृष्ण नाम। जैसे कृष्ण नाम मधुर से भी मधुर है और कृष्ण नाम मंगल से भी मंगल है। कहते सकल निगम बल्ली सत्फल चित स्वरूपम, कहते समस्त वेद पुराण को अगर निचोड़ लिया जाए तो उसमें सार क्या निकलेगा, भगवान की कथा और भगवान का नाम ही उसकी सारी निकलेगा। इसलिए भागवत ने ये जो कथा को अलग अलग नाम दिया है, किसी ने इसका नाम रसायन बोले, किसी ने इसका नाम अमृत बोले, किसी ने इसका नाम औषध बोले, सब अलग 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 नाम उसमें बताया, भक्त लोग अलग अलग उसका नाम दिया है। इसलिए कहते कथा सुनने से क्या होता है, गोपियां कहती हैं कथा सुनने से साफ लाभ है, कितना लाभ है, बोले क्या लाभ है, कहते तब कथा अमृत तप्त जीवनाम कभी विरीतम कल्मषापम श्रवण मंगल सबसे बड़ा दान किया है गोपियां कहती है श्याम सुंदर तेरे जो कथा दान करते हैं इससे बड़ा दान जगत में कुछ भी नहीं है। इसलिए कथा की गोपियों ने सात महिमा होता है, पहला महिमा बताया तब कथा अमृतम, तुम्हारी जो कथा है ये जीव को अमृत प्राप्त करने वाले, ये अमृत देने वाले तुम्हारी कथा है। इसलिए भागवत का एक नाम अमर कथा, क्यों शंकर जी पार्वती को अमरनाथ सुनाए, इसलिए इसका नाम है अमर कथा है।
हैं। इसलिए पहला नंबर अमरत्व तो देने वाले, दूसरा लाभ क्या है बोले तप्त जीवनम। कहते जो संसार में जो दुख कष्ट रूपी जो जीवन है, कोई तन से दुखी, कोई मन से, कोई शरीर से, कोई परिवार से, तरह तरह से दुखी है, लेकिन जो भगवान की जो कथा क्या करता है, समस्त उत्तप्त जीवन को शांत देने वाले भगवान की कथा है। इसलिए तप्त जीवन बोले कभी भी निर्दम, बोले जो कथा को बड़े बड़े कवि लोग पार करते हैं, स्वयं भगवान विष्णु भी जब कथा सुनाते हैं, माँ लक्ष्मी बैठ कर कथा सुनते हैं, लक्ष्मी जब कथा सुनाते हैं विष्णु बैठ कर कथा सुनते हैं, जब नारायण कथा सुनाते हैं भागवत को एक महीना लगाते हैं, लेकिन जब लक्ष्मी सुनती है ना दो महीना कथा सुनाते कथा सुनते, जब शंकर जी सुनाते हैं एक साल में भागवत कथा को, एक साल तक कथा सुनाते हैं पूरी खत्म होता है, जब माँ पार्वती सुनाती है ना दो साल भागवत पूरी करने में लगाते हैं। इसमें जिस कथा को ब्रह्मा जी कथा सुनाते सात दिन तक कथा सुनते ब्रह्मा जी हैं। इसलिए और इसको द्वारा जगत का सृष्टि सिद्धि प्रलय होता है। इसलिए कहते जो भगवान की कथा सूक्त व्यास पराशर सनातन गोस्वामी जितने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को देखो, ये सब के सब कथा सुनाते हैं। और ये जगत में कथा जितने लोगों को महिमा युक्त करता है कोई नहीं करता है। जैसे पास में अनिरुद्ध है, रहता है वृंदावन, कितने दूर से कथा लोग सुनने के लिए, क्या सुनने के लिए कथा करते ही नहीं हो, कथा कहाँ करता नहीं, जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो इतना प्रसिद्ध है वो कथा को लेकर ये समझो जगत में कथा आपको जितने ऊंचाई तक ले जा सकते हैं ना, जो कोई नहीं ले सकता। जैसे राजेंद्र दास बाबा जी महाराजा आएंगे कथा करेंगे, कितने लोग कथा सुनने के लिए आते, बैठ बैठ के कहाँ लोग कथा सुनते। इसलिए जगत में कथा जितने आपको ऊंचाई तक पहुंचा सकता है ना कथा, और कोई आप इतनी ऊंचाई तक कोई नहीं पहुंचा सकता है। अगर जगत में सबसे बड़े कोई आप बना सकता है कि भगवान कथा जैसे बड़ा बना सकते हैं। कहते कहते राज्य में राजा के बोले राज्य में पूजा होता है, लेकिन जो विद्वता है जो भगवान की कथा करता है पृथ्वी में इनकी पूजा होती है। इसलिए जगत में अगर कोई बड़ा बना सकता है, कौन बना सकता है, ये कथा है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं बड़े बड़े कवि लोग जिसको गान कहते कभी भी रेडी तो मतलब कर्म साप, कथा सुनने से क्या जीवन का समस्त पाप हमारी दूर हो जाती है। बोले श्री श्री मतलब क्या है, बोले संपत्ति शोभा जस, अगर कोई देने वाले कौन है, ये भगवान की कथा है, हैं कथा ही जगत में जस श्री शोभा सब कुछ देने वाले जगत में कथा ही। इसलिए कल्म साप हम श्रवण मंगलम श्री मदाततम है, कहते श्री दा मतलब संसार का बंधन को अगर कोई नष्ट कर सकता है भगवान की कथा है। इसलिए गोपियां कहती है जगत में बड़े बड़े दानी हैं, लेकिन जगत में सबसे बड़े दानी कौन है, जो भगवान की कथा मृत को जो दान करते हैं, कभी जगत में ही सबसे बड़े दानी। इसलिए भागवत में गोपियां कहती है कथा क्या है, बोले कथा अमृत है। बोले श्री सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, ये कथा क्या है, बोले औषध है, ये कथा को दवा के साथ उगा नहीं दिया। वो कहते हैं बोले विपरीत तसही रूपगी मना भव औषध छत्र मनोविराम कह उत्तम श्लोक गुणान गाथा पुमान विरज्यते बिना पशु ना। यहाँ पर कह रहे हैं कथा की क्या महिमा है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले विपरीत तसही रूपगी मना, भगवत कथा को जो संपूर्ण माया से जो ऊपर उठ गए हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी ये नहीं जो संसार में भटक रहे हैं दुखी हो रहे वही भगवान की कथा करते, नहीं पहले सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन जब श्री एक श्लोक उन्होंने सुनी है, एक केवल भागवत का एक श्लोक सुने तो सारे ब्रह्म ज्ञान ज्ञान को त्याग दिया। कहते परिनिष्ठित तो अपने नरगुण उत्तम श्लोक ले लिया, कहते वो साधारण ज्ञानी नहीं संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान में जो डूबे हुए थे सुखदेव गोस्वामी, लेकिन केवल एक भागवत का श्लोक उनका ध्यान ज्ञान सब तोड़ दिया। इसलिए कहते आत्मा रामश्चंद हो, जो आत्मा में जो रमण करने वाले मुनि हैं, बोले कुर्बन अहित की भक्ति इतम भूत हरि, हरि की जो महिमा में तिने कथा की महिमा में बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी
चतुर्सन पहले ब्रह्म ज्ञानी थे हैं, कहते शंकर भी पहले ब्रह्म ज्ञानी थे कहते हैं, लेकिन कृष्ण केवल कथा सुन करके इन लोगों ने सारे ब्रह्म ज्ञान ज्ञान परित्याग किया और भक्ति में आ गए। इसलिए बोले विपरीत तस्य ही रूप गिय मनात बोले भव औषध क्षत्र मन विरमा। तब यहाँ पर उदाहरण दिया ये भव रोग के सबसे बड़ा दवा क्या है, भव रोग के सबसे बड़ा भव रोग मतलब क्या है, भू मतलब होना, पुनर्विजन्म पुनर्विमरण है, कोई मरने के बाद ये नहीं कि इतना सुसाइड कर दो दुख कर दो सुसाइड कर लो बच जाए, नहीं भैया इसलिए जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक ये जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म नहीं होता है, हाँ खत्म नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति ये भगवत सागर से पार होना चाहते हैं, कहते सबसे मीठी दवा क्या है भगवान की कथा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बोले तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं, कोई ध्यान ज्ञान तपस्या कुछ भी करने का जरूरत नहीं, यहाँ बैठो केवल कथा सुनो और कुछ भी करने का जरूरत नहीं। जब तक कथा सुनते सुनते तुमको भगवत प्राप्त नहीं होगा तब तक हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुमको हम नहीं छोड़ेंगे। और सचमुच से भागवत कथा सुनते 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 ही गोलोक वृंदावन से विमान आया है, हमारे गोस्वामी लोग जो कहते हैं विमान आया, श्री परीक्षित महाराज बड़े सुंदर एक गोपी मूर्ति धारण करते हुए रथ में बैठे और ठाकुर के पास में चले गए, ठाकुर जी को पास में ठाकुर जी चले गए। इसलिए कहते हैं जो भगवान की जो कथा है ये भव रोग के सबसे मीठी दवा भगवान की कथा है। भगवान की जैसे हम कथा सुन रहे हैं ऐसे लगता है हम तो कुछ नहीं कर रहे हम तो कथा ही सुन रहे हैं, नहीं भजन मतलब क्या है, जब ये मन संपूर्ण रूप में एकाग्र रूप में ठाकुर के चरण में लग जाए इसको कहते भजन कहते हैं समाधि। समाधि मतलब क्या, समाधि जब संपूर्ण रूप में ये भान भगवान के चरण में लग जाए इसको कहते हैं ना भजन समाधि। लेकिन देखो जब हम कथा सुनते हैं तो हमारा मन कहाँ लगा हुआ, ठाकुर के चरण में लगा हुआ, हमको ऐसे लगता है किसी ने कहा तो बैठ गए कथाएं तो सुन रहे हो तो कुछ नहीं कर रहे, नहीं ये बहुत बड़ी एक तपस्या है जो कथा में बैठ करके कथा सुनना बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। इसी से ही ज्ञान होता है, इसी से ही भक्ति में रुचि होता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को कहते हैं कहते ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, मतलब ब्रह्मांड भ्रमण करते करते किसी सौभाग्यवान जी को जीवन में क्या होता है सदगुरु की प्राप्ति होता है। गुरु तो दीक्षा मंत्र दिए, गुरु हरिनाम दिए, वो क्या किया हमारे हृदय रूपी खेती में एक बीज को बो दिए, लेकिन अगर उसमें पानी नहीं देगा तो कब तक रहेगा, दो दिन बाद सूखी जाए, दो दिन बाद सूखी जाए क्योंकि उसमें पानी नहीं देगा। कहते पानी क्या है बोले श्रवण कीर्तन जले भरे सचन, ये जो श्रवण कीर्तन यही ये पानी देना है, अगर पानी नहीं देगा सूख जाए। इसलिए देखना जो वैष्णव संग नहीं करते ना कथा नहीं सुनते अपना भक्तों का संग नहीं करते धीरे धीरे माला भी छूट जाती तिलक भी खत्म हो जाती, तिलक नहीं गले से कंठ के उतर और माला जहाँ था लटक रह जाती, क्यों अब पानी नहीं दे रहे साधु संग नहीं कर रहे, इसलिए क्या होता है धीरे 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 सबके सब भक्ति भी धीरे धीरे छूट जाती है। इसलिए कहते भव सागर से अगर पार करना चाहते हैं सबसे बड़ा मीठी दवा भगवान की कथा बल्कि औसत। तब यहाँ विश्वनाथ चक्र ठाकुर प्रश्न करते हैं कहते भैया आपने बोल दिया ये भगवान की कथा औसत दवा है, आप देखना अक्सर करके जो दवा है ना कड़वी होता है, देखना अक्सर करके प्राय करके दवा जैसे एलोपैथी की दवा मुंह में डालकर झट पानी से रख लेते हैं क्योंकि बहुत ही कड़वी है। तब यहाँ पर प्रश्न है कि आपने बता दिया दवा या दवा तो बड़ी कड़वी होती है, क्या ये भगवान की कथा कड़वी नहीं, कड़वी नहीं बोले स्रोत मन भी रहना, ये जो हृदय और ये कान को रसायन देने वाले बड़े आनंद देने वाले भगवान की कथा, ये कान और हृदय को भी आनंद देने वाले भगवान की कथा है। इसलिए कान को देखो जैसे दोड़ा जैसे बनाया, दोड़े में हम क्या करते पीते हैं ना, दोड़े से पीते हैं, इसलिए माना कानों से कृष्ण कथा रूपी रस को हम पान करते हैं कान के द्वारा, इसलिए ये दोड़ा जैसे बनाया ठाकुर ने है ये कथा रस है। इसलिए कहते हैं ये
भगवान की कथा हृदय और कान को ये रस प्रदान करने वाले ये भगवान की कथा है। मनोविरामा मन को बड़े आनंद देने वाले भगवान की कथा है। बोले का उत्तम श्लोक गुणान वादा हुमान विरजते बिना बसुना। ऐसे कौन सा व्यक्ति होगा जो इतने सुंदर कथा है, जो कथा को छोड़ कर और कुछ कर, जो कथा को छोड़ कर और कुछ करके उदाहरण देते हैं, कहते जैसे व्याघ, उसको उदाहरण दिया कि पशु घाती एक व्याघ है, उनको उदाहरण दिया है पशु घाती उसको व्याघ के बराबर है, हैं? जो भगवान की कथा में जिनकी रुचि नहीं कथा नहीं सुनते हैं, जैसे उनके व्याघ उसको साथ में उदाहरण दे दिए एक व्याघ है। हाँ व्याघ कैसे मार डालता है, मार डालता है ना व्याघ। इसलिए अगर भगवान की कथा नहीं सुनेंगे भक्ति रूपी जो बीज वो खत्म जाने का वो लता बढ़ेगी, पानी दोगे तब तक लता बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बोलो तो वृंदावन ठाकुर के चरण में पहुंच चुकी, कथा नहीं सुनो भक्ति बदी बदी कथा। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते कथा क्या है, तो जो कथा है भव औषधि, मतलब भव सागर से पार होने का अगर सबसे कोई मीठा दवा हो तो क्या है, ठाकुर की कथा ही है। वैसे कथा मृतम की कल स्वागत करेंगे हमारी गौरव कुछ बैठ राधा श्याम सुंदर की जय। आज कोई बात नहीं, आज आठ तो बज रहे इसको समाप्त कर सकते हैं। वैकुंठ चरितो मथुरा कह रहे हैं कि जो वृंदावन भूमि है वो
वो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। वैकुंठ से श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वैकुंठ इत्यादि स्थानों में भगवान विराजमान है, विष्णु रूप में नारायण विराजमान है, लेकिन वहां पर वो पादुका धारण करे हुए हैं, या गरुड़ के ऊपर विराजमान है, या षड्श्रीयां पर लेटे हुए हैं, लेकिन कृष्ण के जो चरण स्पर्श है वो एकमात्र केवल वृंदावन भूमि में ही है। वृंदावन भूमि में भ्रमण करते करते जब सखाओं के साथ में बार बार के साथ में गैया चराते चलते जब कृष्ण भ्रमण करते हैं तो अनायास ही पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं। कभी सखाओं के साथ में जब खेलते हैं तो यमुना के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं, तो कृष्ण के चरण स्पर्श प्राप्त हो रहा है एकमात्र वृंदावन भूमि को। ये सौभाग्य कभी वैकुंठ में भी नहीं हुआ। स्वर्ग इत्यादि लोग यदि भी बड़े श्रेष्ठ हैं, बड़े उत्तम हैं, लेकिन वहां पर भी नहीं है। स्वर्ग में भी भगवान विराजमान है उपेंद्र के रूप में, वैकुंठ इत्यादि में भी नारायण स्वरूप में विराजमान है, लेकिन वहां पर भी इतना सौभाग्यवान नहीं है जितना सौभाग्य वृंदावन भूमि को मिला है। इसे ब्रज गोपियां कहती है कि वृंदावन भूमि मानो मुकुट शिरोमणि, मुकुट तिलक हो गया है इस पृथ्वी का, मुकुट तिलक हो गया है कि वृंदावन भूमि ये ब्रज भूमि। इसलिए कृष्ण के चरण स्पर्श प्राप्त हो गए हैं। और कृष्ण के चरण स्पर्श प्राप्त करके क्या हुआ? कहते हैं कृष्ण जिस प्रकार जो वृंदावन भूमि की शोभा है, हम आगे श्रवण कर रहे थे श्री शरद ऋतु के आने से किस प्रकार जो हरा गलीचा सा बिछा हुआ है ब्रज भूमि में, सारी हरी घास जो है, कहते हैं वृंदावन भूमि के मानो रोंगटे खड़े हो गए। कृष्ण के चरण स्पर्श प्राप्त करके ये हरी हरी घास नहीं है, वृंदावन भूमि के स्वयं रोंगटे बन देने के रोंगटे खड़े हो गए। और जो गिरिराज इत्यादि स्थान में झरने बह रहे हैं, कहते हैं साक्षात कृष्ण पात कर रहे हैं, पत्थर भी द्रवीभूत हो जाता है। इसलिए कहते हैं गोविंदम वेणु हनुमंतम मयूर नृत्यम प्रेक्षादि स्थान अवतरण समस्त सत्वम। कहते हैं गोविंद, गोविंद मतलब गो का अर्थ होता है गो, गो का अर्थ होता है गोपी, वाल गैया, गो का अर्थ होता है इंद्रियम, तो इन सब गोविंद रखा जो आनंद प्रदान करे। तो गोविंद शब्द का प्रयोग करके मानव बतला रहे हैं कि कृष्ण की वेणुनाथ इन सभी को आनंद प्रदान करती है, चाहे वो गैया हो, चाहे वो वाल बाल हो, चाहे बछड़े हो, चाहे वृंदावन के वृक्ष इत्यादि ही क्यों ना हो, कृष्ण की वेणुधनी सब श्रवण करके प्रेक्षादि अर्थात वहां पर सारे वृक्ष पर आनंदित होते ही हैं। वृक्षों के टहनियों के ऊपर सारे पक्षी भी आकर वहां पर देखने लग जाते हैं। और मयूर नृत्यम, मयूर नृत्य से मान लो बता रहे हैं ब्रज गोपियां कि जब कृष्ण वेणुनाद करते हैं तो मयूर भी बड़ा आनंदित होता है, आनंदित होके और अपने सारे पंख फैला देता है, पंख फैलाकर बड़ा तिरक तिरक के तिरक तिरक के नृत्य कर रहे हैं। तब यह प्रश्न उठाते हैं कि भैया वेणु तो मयूर का नृत्य तो तभी होता है जब आकाश में बादल हो, मयूर का संग यहाँ कह रहे किस प्रकार वेणु यदि पृथ्वी श्री मयूर पृथ्वी पर स्थित है लेकिन तब भी बादलों के साथ किस तार किस प्रकार संग करता है। कहते हैं जब आकाश में काले मेघ छा जाते हैं और रिमझिम रिमझिम बारिश होने लगती है, जब गड़गड़ शब्द हो, जब बिजली कड़कने लगती है, तो ऐसे मौसम में ही तो केवल मात्र मयूर नृत्य करते हैं। अभी कृष्ण की वेणुनाद से ऐसे क्यों नृत्य करने लगे? तब गोपियां माता यहाँ पर कंपेयर करते हुए कहती है कि कृष्ण की तो श्याम वर्ण है, कृष्ण का स्वरूप मानो नव जलधर मेघ के समान, और उनके ऊपर जो पीतांबर सुशोभित है ये पीतांबर मानो बिजली कड़क रही हो। कृष्ण ने जब वेणुनाद करी है तो वेणुनाद ऐसी लगती है कि मानो आकाश में गड़गड़ शब्द हो रहा हो, तो इसी सत को श्रवण करके इसी रूप को देखकर मयूर बड़े सुंदर रूप में नृत्य करते हैं, और नृत्य करते करते कृष्ण भी बड़े सुंदर वेणु हो जाते हैं। ब्रज गोपियां कहते हैं कि हमने सुना था कि जो सजातीय लोग होते हैं उनमें भाव का एक्सचेंज होता है, भाव वो लोग आदान प्रदान करते हैं, तो कृष्ण भी ब्रह्मचारी है और मयूर भी ब्रह्मचारी है, तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, मयूर का नृत्य देखकर कृष्ण आराधित होते हैं और बड़े सुंदर रूप में वेणुनाद करते हैं। और जब कृष्ण सुंदर रूप में वेणुनाद कर रहे हैं तो उसको देखकर मयूर भी और तरह तरह के नृत्य करने लग जाता है। इस प्रकार दोनों भाव का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन ब्रज गोपियां कहते हैं कि हम तो पर्वधु हैं, हम तो किसी और को विवाहित स्त्रियां पर्वधु हैं, इसलिए हमारे साथ कृष्ण का भाव आदान प्रदान संभव नहीं है, इसलिए हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। इसलिए गोविंद वेणुगुणमत्तम मयूर नृत्यम प्रेक्षादि, कहते हैं ये मयूर नृत्य और वेणुनाद ये देखकर ऐसा लगता है मानो वृंदावन में कहीं से वृंदावन में कहीं शोभा एक बड़ा सुंदर मंच हो गया है जहां पर नृत्य कला दिखाने मयूर का नृत्य हो रहा है, वहां पर सुंदर संगीत गान हो रहा है, और इतना ही नहीं उस सभा का दर्शन कर
सारे पक्षी, सारे ग्वालवाल, सारे पशु इत्यादि भी आ गए हैं। कृष्ण की वेलोध्वनि से आकर्षित होकर वहां पर सारे पशु पक्षी सब आकर्षित होकर आ जाते हैं और मयूर तो नृत्य करते हैं लेकिन सारे पशु पक्षी इत्यादि जड़ हो जाते हैं। मयूर तो बड़े चित्र के नृत्य कर रहे हैं लेकिन उसके विपरीत सारे पशु सारे पक्षी ये सब जड़ता को प्राप्त हो जाते हैं, सब एकदम वहां पर इकट्ठा नहीं लगाकर उसको देखते रहते हैं। तो ऐसा लगता है मानो सभा का उस नृत्य सभा का दर्शन करने के लिए ये सारी ऑडियंस बैठी है, सारे सभा साथ बैठे हैं। इतना सुंदर श्री चक्रवर्ती पाद वहां पर वर्णन करते हैं। इसलिए प्रेक्षादि कहते हैं गोवर्धन गिरिराज वो भी कृष्ण का वेणु श्रवण करके बहुत द्रवीभूत हो जाते हैं। कृष्ण जब त्रिभंगल स्वरूप में खड़े रहते हैं तो कृष्ण की वेणुनाद से पर्वत भी पिघलने लग जाते हैं, द्रवीभूत होता है और उसी समय पर कृष्ण के चरण स्पर्श उस पर्वत पर पड़ जाते हैं। इसीलिए ब्रजगोपियां कहते हैं कि इतना सुंदर वेणुनाद सभी को आनंदित कर रहा है लेकिन हम घर में बैठे बैठे हमारा इतना दुर्भाग्य है हम किसी प्रकार कृष्ण की सेवा नहीं कर पाते। ब्रजगोपियों का कृष्ण के प्रति विराट बड़ा अगाध प्रेम है और प्रेम का स्वभाव होता है कि वो चित्त को चंचल कर देते हैं। तो चित्त को चंचल करने के कारण ही ब्रजगोपियां कभी दुर्भावना करती है कि हम ग्वाल बाल होती तो अच्छा रहता, कृष्ण के सब समय साथ में रहते। बाद में कहते हैं कि यदि हम वेणु होती तो अच्छा होता, कृष्ण के हाथों में हमेशा विराजमान रहते। अभी भावना कर रहे कि हम वृंदावन भूमि होती तो अच्छा रहता। ये स्वाभाविक चित्त की चंचलता क्या है, ये प्रेम का ही लक्षण है और प्रेम की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त है ये ब्रजगोपियां। ठीक है, इसी को बैठे मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ। श्लोक याद है, बोलो क्या श्लोक याद है?